नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर हिंदी पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गिलोय के औषधीय एवं आयुर्वेदिक गुणों का खजाना हम उसको क्यों कहते हैं। गिलोय एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों। तो इसके फ़ायदों के बारे में बताने से पहले आज मैं आपको ये ध्यान दिला दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के गुणों से लाभान्वित होने का प्रयास कीजिए। गिलोय की बेल पूरे भारत में पाई जाती है। इसकी आयु कई वर्षों की होती है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, नाम से जाना जाता है। गिलोय में ग्लूकोसाइन, ग्लूकोइन, ग्लूनिन, ग्लोस्टेराल तथा बारबेरिन नामक एल्कलाइड पाए जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो आप वहां गिलोय बो सकते हैं। नीम पर चढ़ी हुई गिलोय उसी का गुड़ अवशोषित कर लेती है। इस कारण आयुर्वेद में वही गिलोय श्रेष्ठ मानी गई है। जिसकी बेल नीम पर चढ़ी हुई हो, गिलोय की बेल प्राय कुंडलाकार चढ़ती है। गिलोय को अमृत भी कहा जाता है। यह स्वयं भी नहीं मरती है और उसे भी मरने से बचाती है जो इसका प्रयोग करे। कहा जाता है कि देव दानवों के युद्ध में अमृत कलश की बूंदें जहां जहां पड़ी वहां वहां गिलोय उग गई। गिलोय खून की कमी दूर करे। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह शाम गिलोय का रस, घी या शहद मिलाकर सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। गिलोय पीलिया में फ़ायदेमंद। गिलोय का सेवन पीलिया रोग में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए गिलोय का एक चम्मच चूर्ण, काली मिर्च अथवा त्रिफला का एक चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से पीलिया रोग में लाभ होता है। या गिलोय के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें। एक चम्मच रस को एक गिलास मट्ठे में मिलाकर सुबह सुबह पीने से पीलिया ठीक हो जाता है। कान दर्द में लाभकारी। गिलोय के पत्तों के रस को गुनगुना करके कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही गिलोय को पानी में घिसकर और गुनगुना करके दोनों कानों में दिन में दो बार डालने से कान का मैल निकल जाता है। उल्टियों में फ़ायदेमंद। गर्मियों में कई लोगों को उल्टी की समस्या होती है। ऐसे लोगों के लिए भी गिलोय बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए गिलोय के रस में मिश्री या शहद मिलाकर दिन में दो बार पीने से गर्मी के कारण आ रही उल्टी रुक जाती है। पेट के रोगों में लाभकारी। गिलोय के रस या गिलोय के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से पेट से संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही आप गिलोय और शतावरी को साथ पीसकर एक गिलास पानी में मिलाकर पकाएं। जब उबाल का काढ़ा ज़्यादा रह जाए तो इस काढ़े को सुबह शाम पिए। खुजली दूर भगाए। एलर्जी, कुष्ठ तथा सभी प्रकार त्वचा विकारों में भी गिलोय का प्रयोग लाभ पहुँचाता है। हृदय की दुर्बलता, लो ब्लड प्रेशर तथा विभिन्न रक्त विकारों में यह फायदा पहुँचाती है। खुजली अक्सर रक्त विकार के कारण होती है। गिलोय के रस पीने से रक्त विकार दूर होकर खुजली से छुटकारा मिलता है। इसके लिए गिलोय के पत्तों को हल्दी के साथ पीसकर खुजली वाले स्थान पर लगाइए या सुबह शाम गिलोय का रस शहद के साथ मिलाकर पिए। आँखों के लिए फायदेमंद। गिलोय का रस आंवले के रस के साथ मिलाकर लेना आँखों के रोगों के लिए लाभकारी होता है।
इसके सेवन से आँखों के रोगों को दूर होते ही हैं, साथ ही आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसके लिए ग्रोय के रस में त्रिफला को मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। इससे आपकी आँखों के लिए बहुत ही फायदा होता है। बुखार में फ़ायदेमंद। पुराने बुखार या 6 दिन से भी ज़्यादा समय से चले आ रहे बुखार के लिए ग्लोय उत्तम औषधि है। इस प्रकार के बुखार के लिए लगभग 40 ग्राम ग्लोय को कुचलकर मिट्टी के बर्तन में पानी मिलाकर रात भर ढककर रख देते हैं। सुबह इसे मसल कर छान कर रोगी को दिया जाना चाहिए। इसकी 80 ग्राम मात्रा दिन में 3 बार पीने से चूर्ण ज्वर नष्ट हो जाता है। मोटापा कम करें। ग्लोय मोटापा कम करने में भी मदद करता है। मोटापा कम करने के लिए ग्लोय और त्रिफला चूर्ण को सुबह और शाम शहद के साथ लें, या ग्लोय हरड़ बहेड़ा और आंवला मिलाकर काढ़ा बनाकर इसमें शिलाजीत मिलाकर पकाएं और सेवन करें। इसका नियमित सेवन से मोटापा रुक जाता है। मधुमेह में लाभकारी। ग्लूकोज टॉलरेंस तथा एड्रिनलेजन्य हाइपरग्लाइसीमिया के उपचार में भी ग्लोय आश्चर्यजनक परिणाम देती है। इसके प्रयोग से रक्त में शर्करा का स्तर नीचे आता है। मधुमेह के दौरान होने वाले विभिन्न संक्रमणों के उपचार में भी ग्लोय का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको मैंने आज बहुत सारे फ़ायदे बताए, ग्लो को आप यूज़ कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, आपको क्या क्या समस्याएं हैं।